हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड के विजिटर वीजा के रिलेटेड, और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं सिक्स अनदर न्यूजीलैंड के विजिटर वीजा जो कि हमारे लास्ट वीक में अप्रूव होकर आए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एम्बेसी फीस क्या है, और सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाले हैं सिक्स न्यूजीलैंड के विजिटर वीजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये जो आप सिक्स न्यूजीलैंड के विजिटर वीजा आप दे सकते हैं तो ये हमारे लास्ट वीक में अप्रूव हो करा है। तो ये जो सिक्स वीजा कह सकते हैं कौन कौन सी कंट्री से, सबसे पहले इसके रिलेटेड हम बात करते हैं। और ये जो फर्स्ट टू वीजा है न्यूजीलैंड के, ये कह सकते हैं यूके से अप्रूव हुआ है। तो ये जो यूके में कह सकते हैं स्टूडेंट वीजा पर रह रहे थे। और ये जो अनदर एक वीजा ये इंडिया से अप्रूव हुआ है, ये कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब पर थे इंडिया में और इनकी जो सैलरी कह सकती है मिनिमम 40,000 रुपीज इनके अकाउंट में आ रही थी। और ये जो अनदर कह सकती हैं थ्री वीजा है तो ये कह सकती हैं दुबई से है, टू वीजा दुबई से और एक कतर से। और अगर आप एनुअल टाइम में न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं इसकी जो एम्बेसी फीस है 246 न्यूजीलैंड डॉलर, तो जिससे कि आप वन पर्सन की जो फीस है वो तकरीबन 12.5 से 13 हजार रुपए। और अब हम बात करने वाले हैं अगर आप न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो आप जो सी कंपनी में, जो सी फैक्ट्री में, या फिर आप कह सकते हैं कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, और या फिर आप किसी भी कंट्री में स्टूडेंट वीजा पर हैं, तो सबसे पहले आपको लीव लेटर चाहिए, और उसके बाद आपका बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट्स, और आपके जॉब्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी ईमेल, फोन नंबर, और आपके पासपोर्ट की ऑल पेज की फोटोकॉपीज, और आपके आधार कार्ड और आपकी फैमिली के आधार कार्ड, और आपके जो इनकम के प्रूफ है वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है तो आप आज ही न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आप आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, सबसे पहले आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलने के जो चांस है वो ज्यादा हो सके। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं भी जाना चाहते हैं, अपनी जो ट्रेवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में आप कैनेडा, यूएस या किसी अनदर कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप शंघाई का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज के टाइम में आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप अनदर वीजा अप्लाई करते वक्त उसमें शो कर सके कि आपका पहले ही न्यूजीलैंड के जो विजिटर वीजा आपका अप्रूव हुआ है, आपके पास एक साल का न्यूजीलैंड का विजिटर वीजा है, जिससे कि अनदर कंट्री का वीजा मिलने में आपके जो चांसेस है वो बढ़ सके। तो अगर आपको किसी भी कंट्री के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसी की क्या एम्बेसी फीस है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।